Assalamualaikum everyone, welcome back to my other vlog. तो जैसे कि शादियाँ शुरू हो चुकी हैं तो ये भी एक शादी का व्लॉग है. सो यहाँ पे आपको जाके अपना ड्रेस वगैरह दिखाती हूँ जल्दी से. मैं वैसे लाइव वगैरह तो नहीं ना, तो इसलिए फ्लैश ऑन किया हुआ है तो कोई नहीं चलता है. सो ये है मेरा ड्रेस जो मैं पहनूंगी, ब्लू एंड येलो. वैसे तो मुझे येलो पसंद नहीं है बट क्या करूँ. वेल तो दिस इज लुक लुक नहीं मतलब आई एम जस्ट गोना वेयर दिस. एंड यार मुझे ये इतने प्यारे लग रहे हैं जो नीचे स्टार मतलब आई जस्ट डोंट नो व्हाट इट इज बट जो भी हैं बहुत प्यारे हैं, इतने मल्टी कलर के और आई लव इट. सो मैं आपको जरा इसकी जूड़ी दिखाती हूँ. सो ये है कुछ जूड़ी वगैरह जो मैं पहनूँ मेरे साथ. मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं दिल नहीं करता कुछ भारी वगैरह पहनने का, तो मैंने एक नॉर्मल चीज़ें निकाली क्योंकि मुझे ये भी बहुत सारा लग रही है. ईयर रिंग्स मेरे नहीं है, रिंग्स मैंने पहनी नहीं थी. मामा की हैं रिंग्स, सो उसको हटाओ. और या वेल तो मैं आपको शादी हॉल में जाके ही मिलती हूँ. सो या हियर वी आर, वी रीच्ड हियर. सो मैं आपको पहले लुक दिखाती हूँ मतलब हॉल का. सो दिस इज द लुक एंड या आई एम जस्ट वेटिंग, आई डोंट नो व्हाई. और यहाँ पर मुझे हर शादी की मेन चीज़ मिल गई है. अगर आपको ये दिख जाए तो आप समझे आप पाकिस्तानी शादी में आए हैं. और यहाँ पर मेरे सर पे ही है मतलब फानूस जो भी होता है, ये अब मेरे सर पे लगा हुआ. मैंने दूसरी चेयर पर उठ के बैठ गई तो मुझे डर लग रहा है कि मैं पड़ा गिर जाए. यहाँ पे बारात वगैरह आ गई है और ये मैंने फूल चुरा लिए नीचे गिरा हुआ था. देखो फूल की भूल मत हो गई थी. और यहाँ पे मैं गुब्बारे गिरने लगी क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी. सो इन सब गुब्बारों को मैंने गिराया. और यहाँ पर मेरी फेवरेट चीज़ सारे, यहाँ पर मैं उनको छोड़ के दोबारा गुब्बारे गिरने लगी क्योंकि भाई बोर हो रही थी मैं. यहाँ पे खाना खाने का टाइम आ गया है भाई. आंटी ने खाने को पहली शुरू कर दिया भाई. Now I'm just waiting to get home back. क्योंकि खाना वगैरह फिनिश हो चुका है. So guys, I reached home. Then I just forget to make a vlog. So yeah, मैं भूल गई थी vlog बनाना. तो चलिए कोई नहीं, ये था आज का vlog. और you guys what? इसके बाद मैं vlog इतने मज़े के आने वाले थे, मज़े के आने वाले हैं. But stay tuned and thank you so much for watching. Bye.